अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والسلام على رسول الكريم وعلى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا सदक अल्लाह मौलाना लज़ीम बदे दे पुत्रांगो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा असी एक अल्लाह दे वली दे उर्स पाक की महफल च हादरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। ये अल्लाह नू बड़े प्यारे होंदे ने। अल्लाह फरमांदा युहिब्बो हुम व युहिब्बू नहू, ये मेरे नाल प्यार करते ने, मैं इन्हां नाल प्यार करना। अल्लाह हो वली उल्लाज़ीन आमनू, अल्लाह फरमांदा मेरे वली ने, मैं इन्हां दा वली। इकबाल ने कहा ना, खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी महफिल च बैठे हाँ। अल्लाह ताला औलिया इकराम दे दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला मैनू तुहानू भी इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजारन दी तौफीक ता फरमाए। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक सानू भी मदीने आले दी सच्ची तबाह दी तौफीकता फरमाए। बेलियो जिंदगी हो ही है या मदीने शिविर गुजर जाए या सरकार दी तबाह गुजर जाए। वक्त दा वजीर आजम ते सदर भी होवे, हजूर तो दूर होवे, ये सब तो वड्डा ओहदा है। मैं इस वास्ते ना लिया, वो टगे दा नहीं, जिहड़ा हजूर दा गुलाम हो जाए। मैं वेख्या दाता साहब सदर ते वजीर आजम धक्के खांदे फिर देंदे ने। ये जहां चीज के आदो कलम तेरे हैं, तो एक अच्छी महफिल च बहना जिदी निस्बत कल्ला दे वली नाल एक सादत हुंदी है। इहदे च अदब एहतराम अकीदत का ख्याल रखना चाहिए। तकरीर जिहड़ी मैं करन लगा वो मैं पूरी ऐत बरकत वास्ते तलावत की। इस ऐत बेशुमार मजू ने, जेड़ा हर मजू नहीं मैं बयान कर सकांगा और ना हो सकता है। बस एक मसला बयान करना, मैं ये तुहाडी खिदमत च गुजारिश है, तुसी तवज्जो दे नाल सुनना है। ते मैं कोशिश करनी है कि मसला वो बयान करा जेड़ा कुरान दे मुताबक होवे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे मुताबिक होवे। उहदी वजह अगर मैं एक मसला भी इत्थे गलत कीता, एक बंदे भी मन लिया तो उहदा मुजरम तो मैं हां, ते मैं सारी जिंदगी वह तकरीर नहीं की इत्थे नारे मरवा लां ते कबर च लित्र खावां। ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਅਮਾਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦਾ ਤਲਕ। ਬਾਕੀ ਜੋ करना है किसी अपनी मर्जी करनी है, असल इन्ना मजहबी इकट्ठ का मतलब यही है। तो मैं कोशिश करांगा इंशाअल्लाह, बहुत बड़ा तो नहीं है, नतीबे महफल अलकाब नाल नवाज देने, अल्लाह इन्हां नूं इज्जतां देवे ते तुहानूं भी सारिआं नूं देवे। मैं जिंदगी कोशिश की है, मेरा अल्लाह नाल वादा है कि मेरे अल्लाह मैं तकरीर उन्ना चिर करा जिन्ना चिर मैं सच्ची गल करा। जिदन मैं सच्ची गल नहीं करनी या अल्लाह मैनू तकरीर कर, मैं फकीर ने उर्स दुआ फिर करना पाया, मैनू तकरीर करन दी तौफीक ही ना दई। तुसी भी आमीन कह दिओ। ये ज़हन च रखिया जे मैं तुहानू वह गल सुनानी जिहड़ी कुरान हदीस के मुताबिक इंशाअल्लाह। यह मेरा रब का वादा है, तुसी मनो ना मनो यह तुहाडी मर्जी है, मेरा ते अल्लाह का मामला है। हुण तवज्जो फरमाना, गुफ्तगू जरा ना करना, कुछ भैड़ियां आदतां ने मेरे ते, थोड़ा चिर मैनू बर्दाश्त कर लेना। इन्ना मा हसरे, तकरीर शुरू हो गई है रात, इन्ना मा हसरे हिसार, ये मेरा मजू है, सारी ऐत नहीं। इन्ना मा हसरे हिसार, पंजाबी च कह दिया तो इंज भी कह सकना नाका लगा है सरकार दे बूहे अगे, अगर दिल करता है तो उच्ची सुभान लगा दे। पंजाबी च कहां ते ए वेख के अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरवाजे ते नाका लाया है, क्योंकि इन्ना मा हसरे। एक फकीर दा उर से फकीरां वाली एक मिसाल दे जाना फिर वजाहत करना। औलिया अल्लाह, एक सारे बोलो हो भला औलिया, माशाल्लाह बोलो वदीन कोई डर नहीं। औलिया कुछ अमल ऐसे भी कर देने, कुछ वजीफे ऐसे भी पढ़ देने, वो पढ़न तो पहला मेरे वाल वेखो, वो जिथे बहते ने ना अपनी उंगल न लकड़ी न सोटी लैके ना ये इंज कर लें, और तवजो करनी फिर समझ आनी तुम। गोल जहा दार है, इनू कहने हिसार। हाय हाय हाय, अल्लाह दे वली नू रब ने मकाम दिता है, वो लीक वाह छड़े ना ताकतवर जिन भी वह हद क्रॉस नहीं कर सकता। तवज्जो चाहना, तवज्जो चाहना, अल्लाह दे वली नू अल्लाह ने अपने सज्जन नू एक ताकत दिती है, एक मकाम दिता है, वो इस दर्जे दा है कि अंज लीक वाह छड़ने पंजाबी चाहिए लीक टप के विखा, लीक वाह छड़े ना ते तगड़े तो तगड़ा जिन भी वह हद क्रॉस नहीं कर सकता। यह तो अल्लाह दे वली दा दर्जा है, जिथे अल्लाह ने नाका लाया हो। उची बोलो, उची बोलो ना जरा, ये समझ आई तो उची बोलो, जिथे अल्लाह ने नाका लाया है। इन्ना मा हसरे मतलब है वे कि कोई पलीत हजूर का दरवाजा नहीं क्रॉस कर सकता। तवज्जो ना सुनना, अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती, कोई पलीत उदे महबूब का दरवाजा भी क्रॉस करे। मैं फिर कहना पे इन्नमा हसरे, एक कुरान एक रवायत नहीं, अल्लाह दी गैरत एक गवारा नहीं कर दी, कोई पलीत उदे महबूब का दरवाजा भी क्रॉस करे। समझदार लोग बैठे हो, सीन ते जोर दियो, तवज्जो करो, जेड़ा पलीत नू बुआ नहीं लंघन देंदा वो किसे पलीत नू महबूब दे नेड़े आउन देंदा है। देखो मैं जिंदगी फतवे नहीं लाए, मैं मुफ्ती नहीं, बड़ा कीमती अल्लाह के फजल नाल, ना मैं किसी नू काफर कहा, ना मैं मुशरक कहा,
ना मैं पिंडों पे लड़ाइया करांदा फिरना, इबादत करना, तबलीग पे करना। 47 साल हो गए ने, किसी ने फतवा नहीं लाया। अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के कुरान के मुताबिक मैं तुम्हें पैगाम देना, बस हर जगह मेरी जिंदगी लंघ गई। कोई मने ना मने, हां इन्हें कह देना जिहड़े मैं गल करा किसी मौलवी साहब न पूछ लेना, फिदा हुसैन से आ गल की है, ये जवाब तेरे को है कोई? जे तसली दे दे मेरी गल ना मनना, जे तसली ना दे ते यार ते कुनबा ते कबीला ते यार ते पार्टियां वेख के कोई ऐसा अकीदा ना रख लेना, क्योंकि कबर च कल्या होना। मैं जे तबलीग कर रहा उस देर ना सुनो, मैं फतवे ते गाला नहीं कदी कड़ियां, सुनो मैं फिर रिपीट करना। दुनिया का कोई मुफ्ती ते मुल्ला मैनू कवे कि इन्ना मां हसर नहीं, ये मनना पैना इन्ना मां हसर है, ये नाका लगा नाका। रब दी गैरत एक गवारा नहीं करती, कोई पलीत ओदे महबूब का दरवाजा नहीं क्रॉस करे। मैं सब दुर्गा दोस्त का पूछांगा, जेड़ा बुआ नहीं लंघन देता पलीत नू, वो किसे पलीत नू अपने महबूब के नेड़े आउन देता? उची बोलो तो मेहरबानी होगी, आउन देता? सुनो और वजात कर देना, मशरक तुला के मगरब तक, शमाल तुला के जनूब तक, कोई गोरा काला अरबी अजमी शरत वे कलमा तैयबा पढ़ता हो, उधर नजरियात कुछ भी नहीं, लकुम दीन हुकुम अली दीन। किससे मुसलमान नू मौलवी गैर मौलवी नहीं पूछो, हजरत साहेब ए छोटी जी गंदी मक्खी, छोटी जी गंदी मक्खी वेणिया बहंदी गंद ते बहंदी है, ये कदी हजूर दे जिस्म ते बैठी है? बोलिया करो, बोलिया करो, हजूर की इज्जत वास्ते बोलिया करो, बैठी है? जिन्हें कहा ना बैठी है, 95 सी लगनी है। ते मैं साबित कर देना हजूर दे लिबास ते भी नहीं बैठी, जिस्म ते बाद से। ते फिर अपने जेहन को भाईओ कम लवो, ओ बुजुर्गो अजीजो अपने जेहन को कम लवो। उस मक्खी नू किन्ने आख्या सी इत्थे नहीं बहना, उस मक्खी नू किन्ने कहा सी तवजो चाहना इत्थे नहीं बहना, कि जेड़ा निक्की जी मक्खी नहीं बहन देंदा ते पलीत नू बुआ नहीं लंघन देंदा, वो किसे पलीत मर्द नू या औरत नू हजूर दे नेड़े आउन देंदा? लिया कोई शाहिल मुल्ला मेरे सामने जिड़ा मैं लिख के देवे कि मिक्की बैठी है, लिया कोई शाहिल मुल्ला जिड़ा मैं आके इन्ना मासर नहीं। या तो मेरी बात की तरदीद करन, ते या मेरे दोस्तों बुजुर्गो मेरा जो रिजल्ट देना चाहना, ये याद रखा जे जिथे हजूर ने उथे पलीती नहीं, जिथे पलीती है उथे हजूर नहीं, जिथे पलीती है उथे हजूर नहीं। हजूर दे घर वाले हर पलीती तो पाक ने, कोई शक नहीं, क्योंकि हजूर दा सदका जेडे हजूर दे घर आ गए उथे हर पलीती तो पाक ने। हजूर बदरजे ऊला, बदरजे ऊला हर पलीती तो पाक ने। ए मन जाओ या एक कहो इन्ना मास्टर नहीं, या एक लिखो मादल्ला मक्की बैठी है, नहीं तो फिदा हुसैन की गल मनो। जिथे हजूर ने उथे पलीती नहीं, जिथे पलीती है उथे हजूर नहीं। सुनो जिदे बतन च रसूल है वह भी पाके, जिदी गोद च रसूल है वह भी पाके, जिदे सीने ते रसूल है वह भी पाके, जिदे मोढे ते रसूल है। उच्चा बोलो, अफसोस होया नारा मार गया। ऐसे अच्छे लोग तुसी बैठे हो और मैं की कह सकना, जिन्हें दे मुंह अल्लाह अकबर निकलिया, यार सुलर निकलिया, तुहानू कोई इत्थे अमानत रख गया? नमाज शरीफ ते इमरान खान दियां तरीफां ते ललकरे मारदे लोग थकदे नहीं, तमाशा वेंदियां लोग थकदे नहीं। मेरा भी दिमाग लिया हुंदा है, मैं एक जलसे च वड़ गया, मैं कहा तुहानू इमरान खान जानदा है? कोट मोमन में मुस्लिम जलसे वड़ गया, असल में गुस्सा आया कि दाढ़ी वाला बंदा पे नचे चिट्टी दाढ़ी वाला। मैं क्या तेनू नवाज शरीफ जानता है? दुआ ने आख्या कोने जानते? मैं जलेओ
जेड़े तैनू जानदे नहीं चैनलां ते बह के गली गली फट्टियां ते बह के लगे हो। एक बारी अल्लाह रसूल दा नां लवो, सुनदे भी जे जानदे भी जे। हुण मार नारा, हुण बोलो पुत्र, बोलो वदी नूं कोई डर नहीं, बोलिया करो। मुश्किल कुशा शेरे ज़हन याद रखो, ये मसले तुसां अपने अपने इलाके च महल्ले च मौलवी साहब नूं पुछने ने, मुहब्बत नाल प्यार नाल लिख के दे। मैनू इन्ना मासर नहीं, मैनू कोई कवे माज़ल्लाह ज़रूर दे जिसन दे मक्की बैठी है। शाहिल कमाई लोकां कमाई दा ज़रिया बनाया है, ठेके सौदे होंदे ने, इन्ने पैसे दे तकरीर करांगा कि ना वेख के जाना है उन्हें तबलीग की करनी है। याद रखिया जे, मैं बहुत कुछ कहन लगा, वजात करा तकरीर लंबी हो जाएगी, होर ना सुनोगे समझ आ जाएगी। जिथे हजूर ने उथे पलीती नहीं, सुनो मैं की कहन लगा, जिथे हजूर ने उथे पलीती नहीं, जिथे पलीती उथे हजूर नहीं। इन्ना महासर है जिदे बतन चो भी रसूल है, जिदी गोद चो भी रसूल है। सुनो मैं की कहन लगा, जिन्हें एक दिन हजूर चुकया वह भी पा के, जिन्हें चार दिन चुकया वह भी पा के, जिन्हें हफ्ता चुकया भी पा के। ये पढ़े लिखे दार समझने में क्यों ना पिया, जिन्हें कुछ चंद हफ्ते या चंद महीने चुके है वह भी पा के, जिन्हें दो साल का चुके है दो साल चुके है वह भी पा के, जिन्हें छे साल का चुके है ते चुकी रखे है वह भी पा के, जिन्हें चालीस साल का चुके है वह भी। जिथे हजूर ने उथे पलीती नहीं, जिथे पलीती उथे हजूर नहीं। एक कह दियो कि मेहरबानी होगी, जिथे हजूर वास्ते बोलो, जिथे हजूर ने उथे पलीती, जिथे पलीती उथे हजूर नहीं। उथे मक्खी नहीं बैन देंदा, उथे पलीत नूं बुआ नहीं लंघन देंदा। बल्कि सुनो, दो त्रै आयतां कुरान दियां दिन च आ गईयां, वो पढ़ना चाहना। आ मेरे लफ्ज़ तवज्जो ना सुन लो, फिर मैं तो पढ़ना। हर बंदा साहबी नहीं बनया, बड़ी तवज्जो चाहना। हर बंदा साहबी जेड़ा मक्खी नहीं बहन देंदा कि चवल बंदे नूं नेड़े आउण देंदा। सुनो, साहबी वो बनया है, मैं बहुत तवज्जो चाहना, साहबी वो बने हैं जिन्हों अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी वास्ते पसंद किया है। याद रखा जे, फिर सुनो, वो तो मक्खी नहीं बैठ देता। हजरात बड़ी तवज्जो, साहबी वो बने हैं जिन्हों अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी वास्ते पसंद किया है। सुनो अल्लाह का कुरान, तेरे ते मेरे आका इमाम उल अंबिया सैयद उल अंबिया नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया, किताबां च मौजूद है तूफान बदतमीजी दी इंतहा हो गई। लोगों ने पत्थर मारे, आवाजे कसे, राज टोए कढे, खड्डे कढे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुंडे खिलारे बदतमीजी करा ने, आवाजे कसरा ने, कूड़े बीबियां कूड़े सुट रही ने, कल च कपड़ा पा के वट चाड़ के खिंचते ने पाए, मोहरे नबूवत ऊठा दियां ओजनियां सुतियां जांदियां ने। मौजूद ते नहीं, एक बात जरूर करांगा, पर सुनिया तेरी सूरत भी बेमिसाल, तेरी सीरत भी बेमिसाल। अल्लाह फरमांदा है, इन्ना का लाला खुलुकिन अजी। इरशाद फरमांदा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। भले कि शेर याद आ गया, और मैं कहांगा जेड़े बैठे हो पढ़ सकते हो पढ़ लो, जेड़ा कोई नाथ खां बैठा है वो फीस भी लीला मेरे नाल पढ़ ले। और मिलके कह लिए, वो नबियों में रहमत लकब पाने
वाले जेड़े पढ़ सकते हो पढ़ लो, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले वो नबियों में अकीदा मैं गैरतमंद पहले अकीदा बाकी गल्लां बाद च वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले पढ़ लो जेड़े पढ़ सकते हो वो नबियों में वो नबियों में रहमत लकब पाने वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले क्या कहने सुभान अल्लाह वो नबियों में आला लकब पाने वाले वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले पढ़ लो वो नबियों में रहमत पढ़ो वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले शैल तेरे भी मुके ने वो नबियों में रहमत पढ़ वो नबियों में रहमत लकब पाने वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले वो मेरे वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले वो अपने पराए का गम खाने वाले वो अपने वो अपने पराए का गम खाने वाले मुसीबत में गैरों के काम आने वाले काम आने वाले काम आने वाले काम आने वाले हूं मैं तुम्हें कहूंगा हजूर की इज्जत वास्ते सिर्फ तीन दफा हजूर की दवा कह दो आका हमारे बड़ी शान तुसा कहना बड़ी शान वाले आका हमारे बड़ी शान वाले कह लो आका हमारे बड़ी शान वाले आका हमारे बड़ी शान वाले खत्म सुकून इसमें कर दिया
बस आका हमा आका हमा अरे बड़ी शान वाले आका हमा आका हमारे आका हमारे मेरे आका दी सूरत भी है मिसाल सीरत भी है मिसाल सुनिए कोई मुहब्बे गवारा नहीं करता जिदे महबूब पत्थर मारे जान कोई मुहब्बे गवारा नहीं करता जिदे महबूब ते बकवास किया जाए तनकीद की जाए कोई मुहब्बे गवारा नहीं करता टंडे खिलारे जान फरमाया सुनिया तू ते खुल के अजीम दा बादशाह है मैं नंदा लाज करना सुनो कुरान मेरे वैतन नहीं बयान करता भैया अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अय्यदका बिन्नसरिहि व बिल मुमिनी उच्चा कह दियो हुण तर्जमा सुनो हुवल्लज़ी अय्यदका बिन्नसरिहि व बिल मुमिनीन कुरान फिर सुनो हुवल्लज़ी अय्यदका बिन्नसरिहि व बिल मुमिनीन अल्लाह फरमांदा है मैं मुमिनीन नाल मुमिनीन नाल अपने महबूब की मदद की ऐ नहीं मोमन हाय 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 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤਰਜਮਾ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਅਯਦਕਾ ਬਿਨਸਰਹੀ ਵਬਿਲ ਮੂਮਿਨੀ ਮੈਂ ਮੂਮਿਨੀਨ ਨਾਲ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮੂਮਨ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਮੂਮਨ ਘੋੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ जिन्हां नूं सनद रब देवे समझ आई तो सुभान अल्लाह कह दियो साबा ओ मोमन ने जिन्हां नूं रब मोमिनीन आंदा पिया जदों साबा दा लफ्ज़ लईदा ना यह मौलवियां वंडियां पईआं तो लड़ाण वास्ते ते चंदियां वास्ते ते खल्लां वास्ते लफ्ज़े साबा जदों आंदा ना मौला अली विच ने मैं सवाल करना यह कहण वाले हो लिया कोई मौलवी फड़ के चाहल मेरे सामने जिहड़ा मैनूं लिख के देवे मौला अली साबी नहीं तमाशा बनाया ऐ जी आले बैत दे गुलाम ने ऐ साहबा दे गुलाम ने मौलाली आले बैत ने ऐ मौलाली साहबी नहीं जेड़ा साहबी नहीं तो कुछ भी नहीं समझो समझो जेड़ा साहबी नहीं बनया ते सक्का चाचा अबू जाल ते अबू लाब ओए दर्जा मकाम जिन्ने भी मिले ने ना वो ते उदो मिले ने जो गुलाम बने ने मौलाली साहबी नहीं मौला हसन साहबी नहीं मौला हुसैन साहबी नहीं जो लफ्ज़े साहबा है ना अब फीता लैके जेडे बड़े ने मौलवी उन्हां पासे ना जाया जो जुज़ी फजीलत अहले बैत दी अपनियां ने हुज़ूर दी औलाद दी अपनियां उन्हां दा मज़ूर उहदा मुनकर कोई नहीं जेड़ा उन्हां दा मुनकर है मोमन वह भी नहीं मगर कम से कम इंसाफ तो करो मैं ते तबलीग कह रहा चौक मौली मैनू कह दे कहली साहबी नहीं लिख देगा मेरे बला चाहल कट्ठे किए मौला हसन साहबी नहीं मौला हुसैन साहबी नहीं एक लख ते कई हजार साहबी जड़े ने ना इन्हों सारे नु मोमन मनना पैना है जिन्हें मोमन ना मनिया उहदे च अपने च ईमान नहीं रहना क्योंकि नशे कती है जिन्होंने रब मोमन आके तू कौन है आखना ओ भाई किसे साहबी नु इस लिट चो कढ के बखाओ कोई ऐत पढ़े ना आखे जी ऐ साबी नहीं ते ऐ नहीं ऐ नहीं अखवाही मैंने कुरान च कित लिखा है ते मैं सारे साहबा की गल पे करना भावे घर नाल तलके ते भावे दर नाल तलके बहुत अच्छा एक फिर इंज कह रहे अज फिर करे फिर करे अज मैंने बड़े मार छो इन्हों की कोई लोड़ नहीं एक इंज करके मेरे सुबह लखे आ रहे जीव
ਜਾਂ ਲੋਕ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਿਰੀ ਜਾ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਤੇ ਹਦੀਸ ਕੀ ਹੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇ ਇਹ ਸਾਬੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਖਾਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵਿਖਾਨਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਲੈ ਆਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੈਦ ਪੜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਦੀਸ ਜੋ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦੀਆਂ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਸੁਣਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਹਦੀਸ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਕਾਦਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ ਯੁਬਾਇਉਨਕਾ ਤਹਤਾ ਸ਼ਜਰਾ ਲਾਮ ਤਕੀਦ ਦਾ ਤੇ ਕਦ ਤਹਕੀਕ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਕਾ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਤੇ ਖੱਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਪਲਿਆ ਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਚੋਂਦੀ ਚੋਂਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਈਏ ਤਸੀਰ ਹੋ ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਪੀ ਲਈਏ ਤਸੀਰ ਹੋ ਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤਸੀਰ ਹੋ ਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਹੀਂ ਦੀ ਚਮਚੀ ਲਾ ਦਈਏ ਜੰਮ ਜੇ ਤੇ ਤਸੀਰ ਰਿੜਕ ਲਈਏ ਤੇ ਤਸੀਰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸਾਂ ਤਸੀਰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਤਸੀਰ ਓਏ ਓਏ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਗੋਸ਼ਤ ਚਾਵਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਤਸੀਰ ਹੋ ਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤਸੀਰ ਹੋ ਰੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਤਸੀਰ ਹੋ ਰੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਤਸੀਰ ਹੋ ਰੇ ਨਿਆਜ਼ੇ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤਸੀਰ ਹੋ ਰੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚਾਖੋ ਕਿਤਾਬੜੀਆਂ ਢੇਰ ਲਾਈਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਾਪਣਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1 ਕਰੋੜ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਅਰਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਆਖਣਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਫਕੀਰ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਆਇਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਮਰਨਈਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਸਿੱਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਦਲਾਇਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਕੱਦ ਜਾਂ ਲੱਕਦ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਕੱਦ ਜਾਂ ਲੱਕਦ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਕੀਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਸਮਝਿਓ ਤਹਕੀਕ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੌਲਵੀ ਤਹਕੀਕ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਮੌਲਵੀ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਤਹਕੀਕ ਆਏ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਤਹਕੀਕ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਮੁਫਤੀ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਤਹਕੀਕ ਆਏ ਕਿਸੇ ਪਚੀਦਾ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਤਹਕੀਕ ਕਰੇ ਉਹ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਦ ਫਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਣੋ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੀਏ ਦਰਾਤ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿੰਨੋ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਐਸੇ ਮਕਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਣੀਏ ਫਕੀਰ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਇਓ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਾਲ ਲਜ਼ੀ
इंदहु इल्म मिनल किताब आना आती कब ही कबला यार तद्दा इलेक तरफुक हजारा मीलों से तख्त पे है। एक फकीर कहना पे एक अल्लाह का वली कहना पे जिद को किताब का थोड़ा जा इलम सी जाहिल नहीं सी बेइलमा जो करे फकीरी काफर मरे दीवाना हूं। हर मौलवी वली अल्लाह नहीं हुंदा हर वली अल्लाह आलिम हुंदा। तवज्जो करो वो कहना जी मैं लिया कि आना आती कब ही कबला यार तद्दा इलेक तरफुक अक चमकन तो पहला हजारा मीलों तो तख्त आया है बंदा गैब भी नहीं होया। ए आम रवायत नहीं कुरान ने इनकार किया ते बेड़ा करे कोजना ईमान रहना ही नहीं। अख चमकन तो पहला तख्त आया है समझ नहीं आती मगर मनना ते पैना समझ नहीं आती। इन्हें साइंस बड़ी तरक्की की है साइंसदान पागल हो जाएंगे ये समझ नहीं आनी तख्त कि आया। अगे सुनो फाता बसा मदा हे कन मिन कोले हा तिना मीलों तो कीड़ी बोली कीड़ियो हुड्डा च वड़ जाओ अल्लाह के नबी आ रहे ने एक दे पर थले बिधिया ना जाओ। फाता बसा मदा हे कन मिन कोले हा अल्लाह के नबी ने आवाज भी सुनी गल भी समझी मुस्कुराए समझ तो नहीं आती मनना तो पैना। लंबी गल नहीं करता इशारा तन कर जाना उंगलों चो पानी निकलिया समझ नहीं आती मनना पैना है। पत्थर बोले ने समझ नहीं आती मनना पैना है। दरख्त टुर के आए ने समझ नहीं आती मनना पैना है। एक प्याला दुध सत्रह नूं जा गया मुक्का मोल नहीं समझ नहीं आती मैं रिजल्ट देने लगा था जो मनना पैना है। इक्की खजूर दिखाई ने फरमाया लुद्दी ना कई मन वंडिया कई मन वेचिया कई मन खादिया कई मन धोवे तो दिते लुदियां ते मोड़ इक्की समझ नहीं आती मनना पैना है। बोल पूरा कर्जा भी लै गया समझ नहीं आती मनना पैना है। दो बंदिया का खाना सैकड़े खा गए ने समझ नहीं आती मनना पैना है मनना पैना है मनना पैना है। इतनी अकल नहीं काम करना उन्हें अकल को कम लिया कि अबू जहल बन गया उन्हें इश्क को कम लिया सदीके अकबर बन गया। उच्चा बोलो चुप करके सुनी रहे तबलीग पहले जरूरी हुई है शेर तो लोग है वो आ गया तो पढ़ छड़ांगा वो शेर सुनाना है तुहानू तबलीग करना आया तवज्जो है मेरे बारे समझ आए ता भी मनो ना समझ आए ता भी मनो कद लकद रब ने इस वक्त फरमाया सी तवज्जो नाल सुनना जी तनकीद वहां बयां की जाती है जहां तनकीद का इतमाल पाया जाए। अल्लाह ने पता सी ये कम आना है अल्लाह ने कद लकद फरमा दिता है। सुनिए अल्लाह ने फरमाया लकद रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इयुबायुना कत्ता सजरा इन जय लोग मौलवी जे रूप च ने लियो मेरे सामने अल्लाह फरमांदा है मैं इना मोमना ते मैं अल्लाह फरमांदा पिया ओ मैं इना मोमना ते राजी हो गया वा ओए आम बंदे दी गल नहीं कि एमपीए सदर भी नहीं अल्लाह फरमांदा पिया अला कुल्ले शैन कदीर फरमांदा पिया ओए मैं इना मोमना ते राजी आ मैं इना मोमना ते राजी आ अल्लाह फरमांदा पिया ओए मैं इना मोमना ते राजी आ जिना रुख दे थले बह के मेरे महबूब की बैत की अल्लाह फरमांदा मनी राजी हां जिते अल्लाह राजी है तू औखा होके क्यों लगा फिर रहा क्यों नित्र खाण वाले काम पिया करना है इन्हें तो अल्लाह राजी है कुछ चवल ना मनेगा तो उन्होंने की है मेरे ही नहीं والسابقون الاولون من المهاجرين مینو کو کبھی قران دی ایت نہیں مولویاں پیسے لینے تو لڑان واسطے
मैं सैयदा हुसैनी मैं ओका दे रहा लोगो लड़ो ना सच्ची गल सुन लो गाला नहीं पकड़ता हूं फतवे नहीं लादा पिया कुरान की आयत तुम सुना पा कोई मैं कवे ना बलवाना उठ के ये तर्जमा तू गलत करना पिया ये कुरान की आयत नहीं मैं सारे हवाले किताबड़िया कुरान के एक लफ्ज तो वार छड़ा वल्लज़ी जा बिसिदके हक़ ला रैबे फातू बे सूरत में मिसले ही जिवे ओदी साथ बे मिसाल है ओदा कलाम भी बे मिसाल है एक कहत नहीं कुरान दी मिलदी एक हदीस नहीं मिलदी अल्लाह ने फरमाया वे अल्लाह दे रसूल ने फरमाया वे मैं इन्निया ते राजी हां ते इन्निया ते नाराज हां नहीं इन्ना सारे ते अल्लाह भी राजी है अल्लाह दा रसूल भी राजी है साडा बचण दा यही तरीका है कि असी उन्हां दे गुलाम बनीए जिन्हां ते अल्लाह सूर राजी है फीते लैके ना फिर लोगों लड़ाओ नहीं पाकिस्तान दे हालते रहम करो आ कश्मीर जिहड़ा उन्हां जुलम करदे ने पाए उत्थे वेंदे नहीं फिरका केड़ा है कश्मीर च फिरका ते नहीं वेख्या जांदा उन्होंने कलमा पढ़ लियो लै जो कोई सोचो तो सही इन्हां मलवाउणे आ मुल वाने फीसा लै लै कि लड़ाने शुरू किया जिदा तलक ना कुरान नाले ना हदीस नाले मैं सही ते आना पिया एक कैद पढ़ो एक कैद एक सिर्फ अल्लाह ने फरमाया वे एक हदीस पढ़ो हुजूर ने फरमाया वे मैं इन्निया ते राजी हां इन्निया ते नाराज हां ते मैं पढ़ना पिया अल्लाह एक लख कई हजार सहाबा ते राजी है मैं पढ़ना पिया कुरान च पढ़ना पिया कोई रवायत नहीं बयान करता पिया जिदे ते बेली रब भी राजी होवे रब दा रसूल भी राजी होवे साडी बचत इहदे च ही है असीं सारयां दा एहतराम करिए बल्कि मैं मेरे अकाबरीन पता की फरमांदे ने उस कद्दू नूं कद्दू ना कवो कद्दू शरीफ कवो ए औलिया अल्लाह दा अकीदा है फकीरां दा अकीदा है नहीं खाना ना खाओ ए ना कवो कि मैनू ये सब्जी पसंद नहीं क्यों ये सब्जी हजूर ने पसंद की एदा ना जे ईमान बल्कि बचना जे ना तो मदीने की मिट्टी की भी तो ना कर गुबारुल मदीना शफा कुले ओ साईं फकीर हुसैन मस्ताना दा हुंदा सी मैं मौके ना शेर जरूर पढ़ना हुंदा यही तो मौलवियां दा मेरा फर्क है तुसीं शेर पढ़ दिओ मैं अकीदा बयान करना तुसीं इन्हां पैसे वास्ते कर दिओ मैं अल्लाह रसूल वास्ते करना यह लंगर लभे ना लभे मेरी तवज्जो नहीं हुंदी ना जिंदगी च आखिया पैसे दिओ तो मैं तां आउणा कोई नहीं वह भी सदो आवांगा मैनूं अल्लाह बड़े दित्ते हन कमियां हुजूर दा मैनूं कड़ी कमी है एडे वे दर से बह के कमी रिया मैं तो उन्हें करना उन्हें किसी को आ रहा है तो मैं ना अब तो ना रोक है नहीं आदत सख बिगड़ गई या तो परूठे पाइए ना तो फजूकी नहीं लंघती तो मंगता सिर्फ मदीने वाले को याद रखा जे आम लोगों का तो मेरा यही फर्क है मेरी सब कुछ सरकार ने मेरे ईमान का मरकज मेरी मुहब्बत का मरकज मेरी इश्क का मरकज हजूर की रात है मैं जिन्हों मने पहला वेना यदा तलक हजूर नाल है समझो यार मैं क्या कह रहा हूं यदा तलक हजूर नाल है यदि निस्बत हजूर नाल है मैं कभी ना किसी नूं मनदा अगर हजूर नाल निस्बत ना होंदी तां मैं ते जिन्हों असाबे रसूल दा गुलाम हाँ हजूर दे साथी ने अजवाड़े रसूल दा गुलाम हाँ हजूर दी अजवाज ने औलादे रसूल दा गुलाम अहले बैत दा क्योंकि हजूर दे घर वाले ने मैं तो सदियां बाद उन्हें पिंडा भी शरीफ 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 आना मैं तो कभी लाहौर नहीं किया लाहौर शरीफ कहना एक बंदा तो लाहौर शरीफ है बड़ी दुनिया रही है मैं भैड़े बंदे तो मक्के भी रेंदे ने चलिया घर घराने होंगे ने पिंड घराने नहीं होंगे मैं अक्सर पढ़ना वो तो पल ही जाए कोई नहीं मैं गर्दिश मैं गर्दिश कू वे यार कर
मैं गर्दिश हुए यार कर गर्दिश यार करता हूं करता हूं मैं गर्दिश हुए यार कर फकीर दे बुए दे फैजा मैं गर्दिश हुए यार कर करता मैं गर्दिश हुए यार कर करता हूं और बंदगी का नहीं सलीका कोई मेरे मौला तेरे बंदों से प्यार जेड़ा कर दियो बोलो जेड़े तेरे बंदों से प्यार असी दे बाबा कद्दू नु कद्दू शरीफ कहने आ बिजली घट होंगी 73-74 की गल है मेरी इब्तदा सी उदो तकरीर करन दी खूंड होंगे सन खूंड वड्डे वड्डे उन्हें खोल के जो बैटरी सैल नहीं पाई दे साईं जी चलो फिर उन्हें अच्छा उन्हें खून खोलना दो त्रै साल अपने डग बल्ब लाना अल्लाह हू कर दिया महफल टुट जाना जो किसी स्पीकर से ऐलान करना ना साई मस्ताना लोग आखना जिंदाबाद उन्हें आखना मुर्दाबाद फारसी च उर्दू च पंजाबी च कलाम सुनना नहीं तो रोंदा सी बल्कि रोंदा सी जो खूंडे के मूँह रखे हों बुढ़ा हो गया मतनू चुम चुम मैं तेनू चुम चुम सीने दे नाल लावां सिदकड़े जावां नी मिट्टी है मदीने दी होर उच्ची कह रहे हो तेनू चुम चुम सीने दे नाल लावां सिदकड़े जावां नी मिटिए मदीने दिए जद कह सकते हो तो मदीने शीदा ना लवो अल्लाह बार बार हाजिर नसीब फरमाओ दो वरी कह लो नी मिट्टी बोलो बदी कोई डर नहीं नी मिट्टी एक फिर आखो नी मिट्टी नी मिट्टी ड्यूटी नहीं मैं मिट्टी नी मिट्टी नी मिट्टी
मदीने तेनू अखां दा सुरमा बना नी मैं सुरमा बनावा ते अखां विच पावा नी मिटिए मदीने। देखो मेरी बात सुनो, जो मरकज तुसी हजरात बहुत तवज्जो, अगर गल पसंद आई ते याद रखना, जिदा मरकज मदीना शरीफ है ना, जिदी मुहब्बत दे हजरत बहुत तवज्जो अल्लाह तुहाडा भला करे, जिदे ईमान दा मरकज, जिदे ईमान दा मरकज, इश्क दा मरकज हजूर दी जात है ना, वो बेअदब हो ही नहीं सकदा। मैं की लफ्ज बोलिया है, जिदा मरकज हजूर दी जात है ना, वो बेअदब नहीं हो सकता। देखो अगर कोई मेरा मनण वाला है, ए आप दा इस्मे ग्रामी अब्दुल्ला चिश्ती साहब तशरीफ फरमाने, तुसी बैठे हो, ईमानदार नसरो चिश्ती साहब दा मनण वाला होवे, ईमानदारी नाल फैसला करे, इन्हां दे मां बाप दा गुस्ताख हो सकदा है? उच्ची बोलो, ओ नहीं, ओ डिग पैंदे, तुसी बोलो ते सही। चिश्ती साहब दे मनण वाला इन्हां दे मां बाप दा गुस्ताख हो सकदा है? चिश्ती साहब दे मनण वाला इन्हां दे घरदी दा गुस्ताख हो सकदा है? चिश्ती साहब दे मनण वाला जिथे इन्हां दित्तियां लईयां ने उन्हां नूं गालां कट सकदा है? चिश्ती साहब के मनण वाला इन्हां दे बच्चियां दुश्मन हो सकदा है? दूजा पहलू, जेड़ा इन्हां दे वालदैन दा अकीदतमंद नहीं, बेअदबी करेगा, क्या चिश्ती साहब नूं कबूल करनगे? भावें ओह जिड्डा सच्चा अकीदतमंद होवे, इह कबूल नहीं करनगे, इन्हां दी गैरत इजाजत नहीं देवेगी। इन्हां दे मां बाप गुस्ताख होवे कबूल नहीं करनगे, इन्हां दे बच्चियां दा गुस्ताख होवे कबूल नहीं करनगे। आजाद तवज्जो करो, मैं की कहना चाहना, इन्हां दे घरदियां दा गुस्ताख होवे इह कबूल नहीं करनगे, जिते दित्तियां लईयां ने उन्हां दा गुस्ताख होवे इह कबूल नहीं करांगे। मैं किवें मन जा असहाबे रसूल दा गुस्ताख होवे, अजवाजे रसूल दा गुस्ताख होवे, वालदैने मुस्तफा दा गुस्ताख होवे, अहले बैते मुस्तफा दा गुस्ताख होवे, ते हजूर दी उम्मत झूठे यहूदियां झूठेगा कदी नहीं उठेगा। सिफारिश ते ओहदी करनी है जिहड़ा सारिआं दा गुलाम होवे। याद रखिया जे, उच्चा बोलो, हर बंदा ही नहीं सुनता मैं जो कह रहा हूं, मैं दो बयान को नहीं करता, लोग डरते ने। गल समझ आई, सुभान अल्लाह, को कोई बड़िया औखिया तकीर करें जी, हर म्याणा नहीं ये कर सकता, जिन्हें मुल वेखना तकीर करेगा? वो तो आंदा मैं, वो हूँ आंदे ने फरमायश आई है, बोलो की आंदे ने, वो बोल छोटो की आंदे ने, मौलवी की आंदे ने, नाथ की आंदे ने, जेड़ा मैनू आके ना फरमायश, मैं लित्र ला ली, तेरी हसीयत की है? क्योंकि मैं लोगों को राजी करने आया, मनो भावे ना मनो, गल यही है सच्ची, अल्लाह की कसम उधर तकीर करनी ही नहीं जिधर अल्लाह रसूल वास्ते ना की, करनी ही नहीं। शाला मैं तकीर की तौफीक ने रब दे, तेन की पता मदीने वाले मुंह करिए तकीर करिए तो स्वाद की आना। जेड़ा बंदा मैंने फरमायश आई है, होर फरमायश कर देने, होर कह देने चिश्ती साहब, होर कह देन ये बाबा जी, होर कह देन, तो मेरी अपनी हसीयत की है? मेरी की हसीयत? मैं थोड़ी मुहरबानियां पूरी करना आया, जाओ मैं वो गल करांगा, कोशिश करा जे रब भी राजी हो जाए, रब दा रसूल भी राजी हो जाए, किसी नूं समझ आए खड़ो ते सदके मैं भी बख्शिया जावां। मैं तो तू ही समझना मेरे को कवे मेरी फरमायश है, किसी की जरूरत नहीं मेरे को आके दे फरमायश। मेरा मकसद पैसे नहीं, मेरा मकसद वाहवा नहीं, मन जो तो सच्ची गल तां भी यही है, ना मनोगे सच्ची यही है,
अल्लाह की इज्जत की कसम जो करना खुदा रसूल वास्ते करना। इस वास्ते मैं गाला नहीं कटदा, फतवे नहीं लांदा, पैगाम देना। मैं तुहाडे नाल गल कीती है, तुहाडे च किहड़ा बंदा बैठा है कि तुहाडे मां बाप नूं गाला कढे ते तुसीं उहनूं सीने नाल लाओगे? तुहाडे च किहड़ा इत्थे बंदा जिहड़ा तुहाडे धरती दा बेअदब होवे ते तूं आखे मैं मेरा बड़ा सज्जण है? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾਏ? ਆਪ ਪਿਆ ਬੜਾ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਾ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕੌਣੇ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਉਮਤ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਬੇਅਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸ਼ਾਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਬੇਅਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਲਵੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਭੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ, ਬਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਦੋ ਲਫਜ਼ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਮਲੀ ਤਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਤਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਮਲੀ ਤਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਮਿਨ ਨਾਸ ਮੈਂ ਯਕੂਲੂ ਆਮੰਨਾ ਬਿੱਲਾਹਿ ਬਿਲ ਯੋਮਿਲ ਆਖਰੇ, ਉਹ ਹਾਫਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ? ਵਮਾ ਹੁਮ ਬੇ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਕੰਮ ਮੋਮਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਮਿਨ ਨਾਸ ਮੈਂ ਯਕੂਲੂ ਆਮੰਨਾ ਬਿੱਲਾਹਿ ਬਿਲ ਯੋਮਿਲ ਆਖਰੇ, ਵਮਾ ਤੇ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਵਮਾ ਹੁਮ ਬੇ ਮੋਮਿਨੀਨ। ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਤਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਾਫਰ ਮੁਨਾਫਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਦਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਅਮੀਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵਜੋ, ਨਾ ਅਮਲੀ ਤਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲਿਓ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਈਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕਲਬੀ ਤਲਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੀਆ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੀਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਹੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਢੋਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਆਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਯਾਰ, ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਮਾਇਆ ਵੇ ਆ ਜਾ, ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਮਾਇਆ ਵੇ ਆ ਜਾ, ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਵਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਫਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਖਾਂ ਵੇ ਆਖ ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਮਾਇਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਜਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ ਆ ਜਾ, ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਛੱਡੋ ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ, ਹਾਏ ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ ਆ ਜਾ, ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ ਆਏ, ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਢਲ ਗਈ, ਉਮਰ ਵੀ ਢਲ ਗਈ, ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਜਿੱਦ ਦੇਂਦੇ ਆ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਦਨ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਜਿੰਦ ਦੇਂਦੇ ਆ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ ਆ ਜਾ, ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਦਮ ਨਿਕਲਤਾ ਰਹੇ, ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਇਆ ਵੇ।
ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਅੱਤ ਫੈਲੇ ਪੰਜ ਤਨ ਮਦਨ ਆਏ ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਈ ਆਵੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੇ ਮਦਨੀ ਓਏ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਕਦੀ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਚ ਰੋਵੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਦਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਣੀਆਂ ਭੁਰ ਮੁਰਕਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਈ ਆਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਈ ਆਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਈ ਆਵੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮਦਨੀ ਮਾਈ ਆਵੇ ਨਸੀਮਾ ਜਾਨਬੇ ਮਤਹਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੁਲ ਜ਼ੀ ਹਵਾਲਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾ ਖਬਰ ਕੁਲ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਬਰ ਹਾਲ ਜ਼ਾਰਮ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਗਰੀਬ ਬੇਨਵਾਇਮ ਖਾਤ ਸਾਰਮ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕਮੀਆ ਆ ਜਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਜਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਮਦਨੀ ਹਾਏ ਵੇ ਮਦਨੀ ਮਾਈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਮਾਈਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਈਆ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੁਭਾਣ ਲਾਖੋ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਵੇ ਮਾਇਆ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਵੇ ਮਦਨੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਵੇ ਮਾਇਆ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਵਦ ਵਾਲਦੈਨ ਕਿਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਸਾਬ ਕਿਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਜ਼ਵਾਜ ਕਿਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦ ਕਿਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਬੋਲੋ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਵੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇ ਅਸਹਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਵਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਓਏ ਮੁੱਦਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੁਝ ਸੇ ਦਰ ਦਰ ਸੇ ਸਗ ਸਗ ਸੇ ਹੈ ਨਿਸਬਤ ਮੁਝ ਕੋ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਮੇ ਵੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਾ ਦੋਰਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਵੇ ਮਦਨੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤੀਨਾ ਸ਼ੀਫ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਸ਼ੀਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਵੇ ਮਾਇਆ ਮਦਨੀ ਡੋਲਾ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤਵਜੋ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ
मैं उच्चा कदी नहीं बोली वे एक तेरे दम बदले मैं उच्चा कदी नहीं बोली वे एक तेरे दम बदले मैं उच्चा भाई ऐसी कमियां दूर दे नौकरा दूर दे उम्मती दे दूर अल्हम्दुलिल्लाह ओ दे उम्मतियां जरा नबिया वास्ते भी नबी ते रसूलां दा भी रसूल बन के आया असी ते गुलाम आ जिदी जिदी निस्बत हजूर नाले पर याद रखिया जे किसे बंदे दे अख लग के किसे साबी तो ही ना करिया जे वालदे ने मुस्तफा दी तो ही ना करिया जे अजवारे रसूल दी तो ही ना करिया जे औलादे रसूल दी ना जे मनिया ही ते मदीने दी मिट्टी नूं भी खा के शफा मन ला कद्दू नूं भी कद्दू शरीफ करिया कर ते नाले तू कौन है तेरी हसीयत की है तू ते लैंड होए है तेनू ते पाकी पलीती दी तमीज नहीं रही गल्लां करना नबी पाक दे उन्हां गुलामां दियां जिंदियां शाना कुरान च मौजूद ने सोचो ते सही रब दी गारंटी पता की है हाय हाय अल्लाह फरमांदा या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु वमन तबाका मिनल मुमिनी जाओ कन्नों फड़को मेरे कोल ले आओ क्यों गल गलत पिया करना है पहले सन 38 साहबा किन्ने मजा नहीं आया किन्ने 38 तीन ते अठ 39 रले सैयदना अमीर हमजा जी बोलो रजी अल्लाह तआला अन्हु भावे अलैहि सलाम कह लिया करो भावे रजी अल्लाह तआला कोई लड़ाई वाली गल कोई नहीं इहदे अस ते सुन्नी हाँ असी कहने हैं जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम अस ते इन्हां नूं सलाम मानिया पाए कि मौला अली ते अल्लाह दे वली है ही ओ जिहड़ा मौला अली दा गुलाम आप इमाम अलौलिया ने इस वास्ते लड़ाई गल ही मौली लड़ांदा है रजी अल्लाह तआला कह लै भी कुरान दे लफ्ज़ ने इनकार ना करिया करो अल्लाह फरमांदा मैं इन्हां ते राजी है मेरे ते राजी ने कड़ी बुरी गल है जहालत दी इंतहा है रजी अल्लाह अलैहदा कर लै इस्लाम एक को की कट कर लिया इहदे दोए लफ्ज़ जिहड़े ने ते बड़े सोहणे लफ्ज़ कुरान दे लफ्ज़ ने ये जहालत है या दे दे या तुहानू लड़ाउण वास्ते ने सैयदना अमीर हमजा सरकार दे चाचे भी ते लाडले यार भी चाचे भी ते लाडले भी ते यार भी ते दलेर एडे कोई शह अख पटक नहीं सी लैंदी जदों मदीने पाक लोग गए ने ना लुक लुक के गए ने माड़े विच बंदे अबू जाल अबू लाब ने बंदे छाड़े मार सैयदना अमीर हमजा इन्नी गए सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला दो ते बंदे ने जिन्हां ललकरिया सैयदना अमीर हमजा जिथे जिथे काफरां दी टोलियां बैठियां उत्थे टोर के गए बल्कि हरम च भी आए सैयदना अमीर हमजा कहंदे ने मैं मदीने चला जे जिन्हें डकना आ जाओ हे शेरा अल्लाह दा भी शेर अल्लाह दे रसूल दा भी शेर है जी सैयदना अमीर हमजा ओ मैं चलिया जो है आओ जो इन्हें डकना है ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕਹਿ ਲਏ ਕਿ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣੇ ਜਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਹਿ ਲਏ ਹਦੀਸ ਸੁਣਨੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਇਸ ਵਾਹਨ ਲਾ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਘੜਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਜ਼ਲ ਇਸਲਾਮ ਬੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਜੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਲਖਵੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਕਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਗੇ ਵੇ
اللہ ماں عزت عزت دے سارے نو اسلام نے عزت دیتی اسلام نے عزت عمر نے دیتی دو گلا میں کرنا ناستے تے میری زندگی لنگ گئی ہے سانو تے مفتے دا اسلام لب گیا مفتے دا اسلام دی قدر پوچھنی یا نبی دے صحابہ نو پوچھ لے یا زہرا دے بچیاں نو پوچھ لے سچی گل ہے اج تقریر کرنی کیڑی سوکھی ہے تو سارے میں تے نوٹ پہ سٹ دے ہو چنگی روٹی کمان دے ہو سارے پیسے دے نال بابا جی شاہ جی راجی راجی جایا دے ہاں وجی کاری جی صوفی جی ادو چنگا شو پکڑنا اور یہ مت سمجھا جی یہ کسی علم دا کمال ہے کس دے صدرال دا کمال ہے ترنم دا کمال ہے منطق تے فلسفے دا کمال ہے نعت خواں ہوے حافظ ہوے کاری ہوے پیر ہوے مولوی ہوے ساڈی عزت مولوی جی حافظ جی شاہ جی پیر جی کاری جی چنگا کھانا چنگا پانا ویلیا رہنا یہ ساڈا کمال نہیں ہوں یہ حضور دے ذکر دی برکت کمیاں حضور دے کمیاں یہ ساڈی نہیں یہ برکت اس دین دی سانو تے ملیا سوکھا جے ادھر دھیان مارو سنو یارے گارے مصطفیٰ زینت دربارے مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتقی خلیفۃ بلا وطن سبحان اللہ خود مزہ آیا تھا یہ میں نہیں کہندا پیا تمالا سن کے عقیدہ نہیں بنائی دا عقیدے تے قرآن حدیث نال میں باس نہیں کرنا چاہندا ایک عہد پڑھنا چاہنا تمالا سن کے عقیدہ نہ بنایا کرو عقیدے تے قرآن نال من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین یہ میرا کلام ہے یہ چیشتی صاحب کا کلام ہے کسی مولوی صاحب کا کلام ہے یہ حق کا کلام حق ہے یہ نمبر میں نہیں دیتے یہ ترتیب میرے اللہ دی من النبیین سارے نبیان دے غلام پر سارے نبیان دا امام سید الانبیاء والصدیقین سارے صدیقاں دے غلام تے جڑا صدیق جنو رب نے صدیق کیا ہے والذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون میں تفسیر کر ہو سکدا غلط ہوے کسی اور مفسر دا حوالہ دیوا ہو سکتا غلط ہوے مولا علی دے منن والے ہاتھ چک کے بولن خان جڑی قران دی تفسیر مولا علی کرن حق ہے کہ نہیں مولا علی بھی حق ہے او دا فرمان بھی حق ہے مولا علی تفسیر میں کولوں کھڑ کے بیان کردا ہوں تے میرے تے لعنت سچی گل سن کے تو نہ منے تے اللہ تینوں ہدایا دے وے مولا علی فرماندے نہیں کیونکہ حضور نے فرمایا علی مال قران قران مال علی علی قران دے نالے قران علی دے نالے قران علی کو جدا نہیں علی قران کو جدا نہیں بلکہ اپ دی کرامت دے وے گھوڑے تے بیٹھ تک پورے قران دی تلاوت کردے نے اج کیتی مولا کیویں کردے ہو فرمایا میرا لولو قران پڑھدا ہے جدا لولو قران پڑھدا پتر پھر دے دے تے قران پڑھدا ہے علی قران کو جدا نہیں اچھا بولو نعرہ ادری ہولی نہ ماریا کرو ایک یاد رکھے میدانی نعرہ ہے مارے ہو جے پیراں دے پار پا کے مارنا نہیں تے اے جا جا گوں نہ مارو نعرہ علی تہاڈے محتاج نے ٹھہرا ٹھہر جا کلے ایمان میرے کو سن نعرہ مروالا نے کو نعرہ اے لینڈ ہوئے نہیں وچ تے علی دا نام ہاتھ چک لینا ضروری دی سنت ہے حضور نے اپنا کے مولا دا ہاتھ چکیا فرمایا من کنت مولا و علی مولا ہن جنہیں حضور دی سنت زندہ کرنی آ چک لو جنہیں نہیں حضور نہ پیارو نہ کرو پھر علی دا ذکر بھی عبادت ہاتھ چک کے لینا سنت بھی ایک سنت زندہ کریے سوچ اتنا دا جواب تے ٹیل سینے دا لائی دا نا مولا دا لینا ہے بولا انج کھوچ ڈگا ہے تو اے تے کلو نا لے مولا دا نا تے اجے بھی لائی ہے نا اے میرا میں کوئی جذباتی گل نہیں کرتا پیا خدا دی قسم میرا پریکٹیکل ہے انج وینا کچک پانا نے جو میں
मैं वेखा मैं फस गया मैं भैड़ा ते बंदे बड़े खतरनाक ने शक्लां बड़ी चंगे खुदा की कसम मैं इतने दसना वा फकीर दे डेरे सुनो जिन्हां दा जिन ने पूतरे की जात ने ख्वाबा भैड़िया आउंदिया ने चाहिदा ते वे दरूसी पढ़े एक दफा लमसी पढ़े तीन दफा कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास पढ़े आखिरी बार एक एक बारी कुल औज़ु रब्बिल फलक कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़े फिर दरूसी पढ़े यारह मरतबा फूक मार ले कोई जिन कोई तवीज कोई भूत कोई चिट्टे जे किसी हो जाना तो जिम्मेदार सईद फिदा उद्दीन शाह करते नहीं ना तुसी ते कख ना हुंदा होवे मैं भी करना मैं वेखना ना कई जगह कोई ऐसा माहौल बन जाता है रुखी जबान जू मेरी मैं नारा भाई खुदा की कसम कुछ भी ना हो तीन मरतबा दिहाड़ी च मेरा मले तीन मरतबा मैं होश भी नहीं किन्या साल करना मगर शरत जिन्हें या इली आखना ना लैंड ना होया वो चर्च का सूटा ला के यार मदद ना बदतमीजी कर रहा है वो बेदब है अली का ना इबादत का इबादत इबादत पाक जबान ना पाक जिस्म ना करी दिए मैं अली का ना लेना बुजू करके पहले बुजू किता पहले ते आया लैंड होके नहीं करीदा ए मेरे को हिट नहीं की थी अजे तबलीग गल सच्ची है जो सच्ची है तो सुबह अल्लाह कह दियो मैं गलत कह रहा उन्होंने किता लगे अली ना जिन्होंने अपनी होश नहीं अली शेरे खुदा उत्ते वलायत नाज कर दिए बोले नहीं तुसी इंज में अली नाल भी तुहानू कुछ तलक नहीं अली शेरे खुदा उत्ते वलायत नाज कर दिए फखर इस्लाम करदा ए शहादत नाज कर दिए अली दे जोर बाजू ते सुजात नाज कर दिए और मेरा तजर्बा जे हकीकत है जे कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी मुनकर कांप जाता नारा हैदरी मारो पांच बारी खलो के नारा हैदरी मारो अल्लाह हक फरीद क्या चलो गुजारा जो कर लिया ने आनी मौला जी दा नाम इंज नहीं चंगा टेल ना लाना चाहिए पैरा ते पार पार तवज्जो है मेरे अल अली माल कुरान कुरान माल अली मौला जी करामत वे घोड़े तक पूरे कुरान दी तिलावत करदे ने मनन वाले ओ नहीं जिन्हां बिस्मिल्लाह उस्ताद फतेह अली कुछ की ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲੂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਲੀ ਵੱਲਜੀ ਜਾ ਬਿਸਦ ਕੇ ਵਸਦਾ ਕਬੇ ਹੀ ਉਲਾਇ ਕਮਲ ਮੁਤਕੂਨ ਇਹ ਐਤ ਕਿਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾ ਬਿਸਦ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਸਦਾ ਕਬੇ ਹੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗੱਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਏ खाना चंगा वेलिया रहना नोट लेने अज अल्लाह कहना ला इला इल्ला कहना कुरान कड़ी ए उन्हें पुछ मैं सीरत दी किताबा चो सीरत अलबिया चो एक बात कर देना तवज्जो ना सुन लेना हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च आए बड़ी तवज्जो ना खुलासा जिहा बयान करना टाइम काफी हुंदा जांदा है बाद मेरा ख्याल महफिल समावी है चिश्ती साहब आ बस ए वाकया सुन लो ना मुकड़ वाली तकरीर ने मैं लगा रहा तो मैं सारी रात लगा छड़ दें तो पंद्रह मिनट छड़ दें मेरा दिल हूँ छड़ दें अर्ज कर देने कमली वाले आ
दिल करदा मक्के दियां बाजारां च खलो के ना जरा सुन सानू ते इस्लाम सो कलबा अज मेरा दिल करदा मैं मक्के दियां बाजारां च खलो के तेरा जिक्र करा अल्लाह दी तौहीद बयान करा तेरी अजमत ते शान सरकार ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक अजे हालात ठीक नहीं तू अज की दिल करदा खास सरकार जिते खामोश भी हो जाए ना उत्ते भी कम बन जाता है ये वजात तलब बात मैं वजात नहीं करता जिते सार खामोश हो जाए ना मना ना करना भी कम कर लगे मैं पता लगे तुम माशाल्लाह पढ़े लिखे हो अदारे पढ़े हो मैं ताए जी गल वेख करना पाया ये हदीस दियां किस्मां ने बहरहाल मैं इस पास लंबी बातें करना चाहता पत्थर ते खलो गए अल्लाह की तौहीद बयान की अल्लाह वाहिद है अल्लाह मालिक है खालिक है राज़िक है ए बुत झूठे ने इन्हां नूं इलाह ना मन्नो सजदे लायक अल्लाह है जिहड़े तो राज़िक है वो मालिक तौहीद बयान की नाले हुज़ूर दी शान बयान की खत्मे नबूवत दा ताजदार है ये आखिरी नबी है आप दी इलम आप दी अजमत शान मकाम रिफत दर्जात हुण उस वेले बयान करना अज ते तुसीं नोट लैंदे हो पै खुदा की कसम जथियां दे जथे निकले हत्थां च सोटे ते पत्थर चवल चवल बंदे चवल चवल बंदे भौंकते ने सदीक अकबर जो नमाज भी सही नहीं आती वटे आ रहे सोटे वजते ने पै खुदा की कसमें सदीक अकबर ने जिक्र बंद नहीं किया मैं खुलासा बयान करना पाया मार मार के सुट गए वरम नक ते चेहरे का वरम एक है और कितने खून है जख्मों ने खून बजता पिया कितने नीला ते पीला जिम्मे सट्टा मजी होने सुट के चले गए हम जरा सुनने वाली गल है अच्छे लोग गल कर बरादरी से कुनबा कबीला कट्ठा होया भी हूं वेला बने बंदा जिन्हें सब तो पहला बांह कड़ के किया सी सदकता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की कसम मौला अली की उम्र तकरीबन 10 साल हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला 2 हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा तुल कुबरा 3 और हजरत सिद्दीक अकबर 4 ने जिन्हें सब तो पहला हजूर का कलमा पढ़िया अल्लाह की तौहीद का ईमान रखा ठीक है ज़ैद हजूर का गुलाम मौला अली चाचे का पुत्र भरा बल्कि पुरुदा अगोशे रसूल हजरत खदीजा तुल कुबरा बीवी पीड़ी काफर उदों पई सी जो सदीक अकबर ने बांह कटी और छोटा बंदा नहीं बहुत बड़ा ताजर सी लोग तो गल्लां करदे ने ना कोई एक रत्ती ओए कोई एक पैसा विखाओ मैनू जेड़ा सदीक अकबर वाह सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अपनी औलाद नूं छड़ के टुर गए कुछ नहीं मिलेगा जो कुछ भी है हजूर तो अल्लाह तो कुर्बान करके गए तलित रख के जान एक ने बिस्तर ते लेट के बड़ा औखा काम है अज हजूर दा बिस्तर मौत है अज जो बिस्तर ते लेट दे ना पिया उहदा नाम अली है ये ओही कम कर सजे जान नाल प्यारा समझदा है फरमाया सुबह आ जाई बिस्तर ते लेटे इधर सदीक अकबर नाल गए इस वेले नाल टुरना भी मौत है बिस्तर ते सोना भी मौत है पर सदके जावा इन हस्तियां तो जिन्हां नूं अपनी परवाह ही नहीं सी बल्कि कदी सज्जे होना कदी खब्बे होना कदी अगे होना की करना पिया सुनिया कोई खड़क आउंदा ना ते दिल च आउंदा कोई दुश्मन ना आ जाए ते मैं ना मेरी जान टुर जाए मेरे यार नूं कुछ ना और हजूर ने भुलेखे नाल नहीं करिया हजरत तवज्जो करिया जे पहला दस्या मेरे इंज दुश्मन बन गए ने ये मैनू कतल करना चाहते ने यह मामला तुहाडी जान जाया हो सकती है क्या मेरे नाल टुरोगे ये वो हस्तियां ने जिन्हें आखिया सुनिया जान ही तेरी है शाला तेनू कुछ ना हो छोटा किरदार है करिए ते वो पंजाबी च कहंदे ने मेरे यार तेरा वाल विंगाना होवे मेरी पावे जिंद मुक जाए तेरा वाल विंगाना
पावे जिन्नू मुक जावे तेरा वा मार मार के बरादरी आखे भी अज कम बनिया चुक के लै गए वेखी बरादरी छड़ी है ते की हुंदा वेखी कुनबा कबीला छड़ी है पाड़ के सारे नु कल्ला गया उधर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाल वेख लिया ही भैणा भरावां नाल रहीए बरादरी ते आ गल्लां पै करन ते आपे च नाले आखणा जिहनूं समझाणे सदीक अकबर दी वी ना अद्धी करात आ खुल गई खुदा दी इज्जत कसम चिश्ती साहब मां आई है पुत्र पानी मां फाला रसूल अल्लाह मां फाला रसूल अल्लाह पुत्र रोटी मां फाला रसूल अल्लाह मां फाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुत्र को दूध गर्म कर मां फाल पुत्र अपने वल वेख अजे भी ना पे लैना है अम्मा तू खाना नहीं है मैं उन्ना चिर चखनी भी शह को नहीं जिन्ना चिर यार नू वेख ना लवांगा तेनू की पता है बरादरी आंदी सी इस वास्ते है तेनू इसा दवान भैणा भरावां ना रहीए ते पड़ रहिंदा है असी बरादरी कुरमाना के तड़ा जाओ मेरी कोई बरादरी कुनमा कबीला नहीं मेरा कोई कुछ नहीं लगता और मेरा राखा कमली ही वाला है बोलो मेरा राखा कमली हाँ मेरा राखा कमली ही वाला आए जिदा एक बारी बोलो मेरा राखा मेरा मेरा कई बंदे मेरे भी डराने में दबाओ ओ मेरा राखा कमली ही वाला आए ओ मेरा 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 अल्लाह की कसम मेरा 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 नहीं बताए मेरा 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 ओ मेरा राखा कमली वाला आए मैनू कौन मिटा मन वाला आए ओ मेरी ओस माही नाल लग गई है मेरी ओस माही नाल बस लग गई है ओए ओस माही नाल लग गई लग गई है बस लग गई है और लग गई है लग गई है लग गई है लग गई है मेरी लग गई एडा भी पक्का तलक है कोई एक सुभान अल्लाह कुना तुने गल सुनावा फिर इत शुरू कर लेना दिल कीता है जेड़ा भी कोई नभाएगा ना बड़ा भी जनाजा पढ़ना आ जाएगा यार मर गया रिश्तेदार मर गया बरादरी कुनबा कबीला अद्धे नमाजे जनाजा नहीं आउंदी जनाजा पढ़ना आए याद करया करो कोई एडा औखा कम नहीं एडे गाने याद कर लै जे सारे अदाकारा फिल्मा अदाकार ना याद कर खिलाड़ियों के ना याद कर लेना तेन नमाजे जनाजा नहीं आउंदी ये बदनसीबी है जिन्होंने नहीं आउंदी कुछ सोचो गौर करो यार दा जनाजा पढ़ चले बरादरी कुल दे उंदी कोई कख भी नहीं है जिन्ना चिर इमरान खान ते नवाज शरीफ दी तरीफां करदे हो ना पांच मिनट वध ला लो ना एक दिन दे ते तो नमाज दी नमाज याद हो जाए मैं अल्लाह ताला मैं नहीं आंदा तुहानू जिन्हूं नहीं कर लो याद यारां नाल जाके धोखे ही कर लैंदे इंज करके आ जांदे दुआ मांग रहे
पर उंदा होवे तां इना माशाल्लाह फिर कोई दुआ मंगण वाले भी चिश्ती साहब अजकल सड़क को बड़े ने या अल्लाह तेनू रब दा वास्ते सुन ले दुआ या अल्लाह तेनू रब दा वास्ते अल्लाह दस कित्थों आ गया खुदा की कसम जी साहब दुआ मैं कोनी या अल्लाह वकना साबर कमरे वकना साबर अशरे नाली आंदा वकना साबर कौसरे आ दस दिन बाद बड़ा तमाहे बने उन्होंने प्यो मर गया प्यो आ मुल्तान के इलाके से वाह कट से उन्होंने पीर जी तुम आओ मैं चाह जाऊंगा फातिहा तक मैं जाने से वो मेरी गमी खुशी चाहते रहे उ बहुत हजरत साहब बैठे सन गलत सुनाने मकसद है किसी तजलील नहीं अफसोस का इजहार कर रहे हैं वो इकबाल ने कहा मैं बुलबुले नाला हूं इस उजड़े गुलिस्तान का हाय हाय उदो इकबाल होया हूं तो गल अगां दी अगां निकल गई है मैं बुलबुले नाला हूं इस उजड़े गुलिस्तान का तासीर कसाइल हूं मोहताज को दाता दे इकबाल कहंदा भटके हुए आहू को फिर सुवे हरम ले चल आमीन तो कह दे यार भटके हुए आहू को फिर सुवे हरम ले चल इस शहर के खूगर को फिर वसत सेहरा दे महरूम तमाशा को फिर दीदा बीना दे देखा है जी कुछ मैंने औरों को भी दिखा दे आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह साढ़े हाल ते रहम करे उदा प्यो मर गया फिर चौधरी बंदा सी वाह बकरे शकरे उन्हें बिरयानिया छने चंद चार खाने हूँ हजरत साहब दुआ कर लगने या अल्लाह ऐ जा मौके बार बार नसीब फरमा डैनिक दे गए मैं इन्हों को होर लूंगे कुछ है तो मैं दुआ मंगनी सिख लै किधरों बैठा तू इन्हें जो मुबल गया दे आता जाना कख भी नहीं खुदा दा खो खो कितों आ गए तुम जाए ਅਸੀਂ ਆਹਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਏ ਫਿਰ ਜੋੜ ਜੱਪੇ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਪੀਰ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਸੁਣੋ ਬੜੀ ਕੁ ਨਿਭਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਚਲੋ ਬਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਓਏ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ खुश रहो ये वेली ने सारे मेरे तो उन्होंने हिलिया जी ना जिन्हें मैं स्पीकर छड़िया नहीं तो हमें मैं फतवा ला देना जे ये सारे चालू ने अल्लाह के फजल जान देने मैं पुत्र होना पैना तुहानू जो तुसी पढ़ दे हो मेरे जहाँ बंदा कोल बैठा तुसी पांच मिनट कवाली नहीं कर सकते मैं टोर जाना देना हलाला करनी है तुहानू पहिनां पता ही लगना की आंदे ने पै उहदे साथ ऐसे सैट हुंदे रहा है पै शुरू है सारी उम्र सुनते रहने अर्श पर बुलाया सवेरे सवेरे पै सुन छे नहीं आख्या सुभान अल्लाह दी असरा बेअब नहीं लैलम मिन अलम ओ भाईया सवेरे सवेरे नहीं होया ओए मेरा आज रात नूं होया सी अच्छा बह जाओ तकरीबन सुन लगा मैं जा पुत्र बह जा अल्लाह पा तो सलाम तवज्जो है ओ बड़ा जनाजा पढ़ के आएगा फिर आने चलिए भाई होर कड़ी करेगा ना नहीं ओ मेरा यार सी चीज सब सुन दियो बना याद ही चल या बुक मिट्टी की पा ली बुक मिट्टी की पा के आप जोड़ा उधर नाएगा ना वो थले खलोएगा उधर मंजी चुकी रही नहीं है लिया भाई कलमा शहादत पहली सुनो है पहली बुक मिट्टी दी सदके जावा मदीने वाले आ जो तो सारे छड आते हैं तू उत्थे भी निभा आ जाना एक गल करना चाहना तो फिर वो वाकया खत्म करके मैं तकरीर छोड़न लगा क्योंकि मैं इन्हों बदुआव नहीं लेना चाहता वो आहो सही आख्या वो मैं तकरीर की थी तो फैज अली फैजी साहब सन और जलालपुर जट्टा तो मैं तकरीर करके उठ के टुर गया तो अगले दिन मैं मिले आंदा मेरे बच्चों दया कातला की हाल ही मैनू इन्हों बदुआव तो भी डर आता अच्छा तो मैं पता पुत्र गल पे करना तो मैनू भाई डर आता है गल सुन के मुकाइए हजरत तवजो ना कि सुबह लगा दौ खुदा दी कसम कबर च मौजा लग जानी चिश्ती बाबा सरकार दे गुलाम नूं ते लित्र खाने नहीं मुनकरां ते गुस्ताख खाने सुनो कबर च सवाल ही कोई नहीं नमाज पढ़ी है कि नहीं हज कीते कि नहीं ज़कात दित्ती है कि नहीं रोजे रखे गोडे थले करो गोडे रखने कि नहीं रोजे रखने कि नहीं ये सवाल कबर दा नहीं सवाल कबर ने तीन इतों पास हो गया लित्रा तो बच गया
फिर अगे पता लगना नमाजी सी बेनमाजी सी रोजा रखता सी कि नहीं हराम खाता जी कि हलाल खाता ते जे पहली मंदल कबरे साइया उथे ही ठा लिया अमल कितने गए मेनू तसली ये वे कि जुर्म भी किया हो समझावा तुहानू आदत यह जी अस खेड भी लेना मेरा अंदरों वेखो मैं की हाँ मैं कोई मौलवी को पैसे देकर सैयद नहीं बनया तो ना असं संताली च आए हाँ मेरा पूरा टब्बर है मौजा लग जाएगिया और मुजरम भी हो पुलिस भी फड़ के लै जाए तो थानेदार फड़ ले अमला हो तो थाने वो आ जाए जी थानेदार ने मोड़नी नहीं तो गल भी मुजरम की भी बन जानी है बस हजूर का गुलाम रहो बेद भी ना कर जरा तेन पैगाम है उसे सवाल पता क्यों है रब कह अल्लाह दीन कह इस्लाम ए जान नहीं छुट्टी अल्लाह सलाम जिंदाबाद कुंता माजी है यह पढ़े लिखे मेरे पता लगे पढ़ते रहने मनाज कुरान च पढ़ते रहने सुने ये कुंता माजी है की आंदा रे ते जे मेरे वाले वेखो तो मैं तरजा समझावा ओए की आंदा रे ओए मैं एको ही पैगाम देना अकीदा वो रखी जेड़ा हजूर दे सामने बयान कर लें वरना बहुत रित्र पैने ने पार्टी नारे मारने वाले कौन ही उठे होने तो सानू तो बड़ी मौजा मैं तो इरादा किया इंशाला रब कह रही अल्लाह दीन कर इस्लाम की आंदा रे है तो मैं अर्ज करनी है या सुल्ला मैं जवाब दिया वो फरिश्ते हो मैं कला आंदा रहा मेरी तो उम्र लंघ गई गली गली नगर नगर जिथे दुनिया मुक गई है एंड ऑफ द वर्ल्ड तक यही सुने सुने मैनू आंदे ने कित की आंदा रहा है मेरी तो उम्र लंघ गई तेरे नातां पढ़ते हैं तेरा जिक्र करते हैं ये आंदे ने की आंदा रहा है कितों शुरू करा सरवर कहूं वाह वाह सरवर कहूं आ जा सरवर कहूं के मां निको मौला कहूं तुझे मैं फीस भी लदा देनी पड़ गई पैसे वाली नहीं तुम देने सरवर कहूं के मां लिखो मौला कहूं तुझे मैं मेहरबानी सुनिया सरवर कहूं के मां लिखो मौला सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे बागे खली जिधर भी तुर पई है जिंदगी मुक जाती है कोई तकरीर नहीं मुकनी अकीदा और रख तो मैं गल मुकाना चाहना होना फरमाया अपराधी कुनबा कबीला चले जाओ ये डन बाण वाला केड़ा है दबाओ जाओ ओ मेरा राखा कमली वाला मेरा राखा कमली कमली वाला वाला है ओ मेरा राखा वाला है इनु मिलू कौन मिटा मन वाला लग गई ये मेरी ओस मही नाल लग गई ये जेड़ा तोड़ निभा दबाओ जाओ मां फिर नेड़े आई दो
तीन मिनट ने तवज्जो करो वे पुत्रा वे मेरिया पुत्रा वे दूध पी ले वे सट्टा बड़िया ने कुछ खा ले कुछ पी ले फरमाया नी अम्मा नहीं नी नहीं नी अम्मा नहीं नी नहीं नी नहीं खाना ते दूर दी गल मैं चखना भी नहीं मैं चखना चिश्ती साहब मैं चखना भी नहीं अम्मा खाना ते दूर दी गल मैं चखना भी नहीं जिन्ना तेरी यार दा मुखड़ा ना वेखदा वाह सदीक अकबर तेरे इश्क दे ईमान तो सदके वे पुत्र इस वेले की करा अद्धी रात मेनू की पता तेरा महबूब किथे वे तेरा यार किथे वे नी अम्मी उमरे फरूक दी पहन वाल जा तेनू पता लग जाएगा बड़ी तवज्जो रात दिया गलिया आप दी वालदा गईया नी तू ही दस दे सरकार किथे मेरा पुत्र ना कुछ खांदा है ना कुछ पींदा है नी मेनू दस दे मैं जाके अर्ज कर लांगी मां है ना मेरा पुत्र जख्मी है मेरा पुत्र जख्मी है आप फरमा दिए मेरे दिल च ख्याल आ क्योंकि कलमा नहीं सी पढ़िया कोई ऐसी साइड फरमा चल मम्मी जानी आ मैं जदों वेखिया अखां चों आंसू आ गए मैं सरकार दी बारगाह च गई होया कि ए मेरा वेखो मोढ़ियां ते हथ रखे ने जख्मां ने जख्मां नाल चूर भरम है और जिथे जे सट्टां लगियां ने काले ते पीला जिस्म होया है खून वग के जमिया है सामने तवज्जो सामने आए सरकार सरकार जिदे वास्ते नबी उठ के खलोंदे ने सरकार उठ के खड़े हो गए चिश्ती साहब अल्लाह की कसम हजूर दी अक्खां चों आंसू आ गए जदों आंसू वेखे ना महबूब दे चेहरे ते सदीक अकबर दी चीख निकली मां समझिया लोगां समझिया जख्म दा दर्द है अद कीती नहीं सोनिया पत्थर खाधे ने सोटे खाधे ने खून वगिया है ए जख्म ने मैनू तेरी अदमत दी कसम है मैनू रब दी अदमत दी कसम है मैनू कोई दुख नहीं होया जिन्ना दुख तेरे आंसू ने इन्हें दुख मैनू पुजकवा ने फरमाया मैं तेनू क्या सी सीने ना लाया सुनो अज की तीवे सोने या सदी के पर जिला तंद कर देने कि इन आसमान दा मुल पाने अज मैं मां लैके आया कर नजरे करम अंज वेखिया मां भी कलमा पढ़िया ए ओ साबी ए साडी हसनैन इज हो महफिल गार इज यकूलू ले साहिब ही किसे साबी दी बेदबी करेगा लानत दा तौक पाएगा सदीक अकबर दा इनकार करेगा काफर हो जाएगा क्योंकि मौला नहीं फरमांदे ने मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह जा रहा दरवाजा खुलिया बचा अबू बकर आए हजूर ने फरमाया मौला अली रावी ने अंत सदीक अंत सानी असनए ने इजहुमा फिलगा खुद भी गुलाम वालदैन भी गुलाम एक मिनट तवज्जो खुद भी गुलाम वालदैन भी गुलाम औलाद भी गुलाम सदीक अकबर की औलाद भी गुलाम औलाद थी औलाद भी गुलाम पंजवा तलक बेटी मोमना दी मां अन्नबी और कुरान है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसहिम व अज़वाजहू उम्महातुहुम फरमाया मेरा नबी मालिक है तुहाडियां जानां दा इहदियां बीवियां मोमना दियां मावां ने बस एक गल याद रखना बस मोमना दियां मावां सिर्फ मोमना दियां मावां ने सिर्फ मैं नहीं कहंदा पिया वज़वाजहू उम्महातुहुम
ਇਹ ਉਮਤ ਮੂਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਓਏ ਨਿਕਾਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧਮਾਤੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਵੜੀ ਲਾਣ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਚੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਹੱਸਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਹੱਸਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਰਕ 'ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਲੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਤਨ 'ਚ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਖੋਦ 'ਚ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਚੰਦ ਕੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਵਾਯੂ ਜ਼ੱਕੀ ਹਿਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਵਾਯੂ ਜ਼ੱਕੀ ਹਿਮ ਵਾਯੂ ਜ਼ੱਕੀ ਹਿਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਕ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋ ਬਚੱਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਲਤ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਜਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹੀ ਆਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਉਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਉਹ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਬਦ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਦ ਅਕੀਦਾ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਰਜੀਆਂ 'ਚ ਵਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਫਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਪੱਚਰ ਜਾਇਲ ਆਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਇਹ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਭੂੜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੂੜੇ ਲਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆਖੇ ਝੂਲੇ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਚਸਪੀ ਛੜਿਆ ਜੇ ਜਾਂ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਝੂਲੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਫੱਤਾ ਵੀ ਉਲੀ ਹੋਵੇ ਪੂਲਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿਆ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲੰਦਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਰੱਤ ਵਜੋ ਕਲੰਦਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫੱਤਾ ਵੀ ਉਲਟੀ ਅਮਲ ਕਰੇ ਅੱਗ ਖਾਏ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਡੁਰ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨਤ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਕ ਹੋਏ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਇਸਕੀ ਹਰ ਹਰ ਅਦਾ ਸੁਨਤ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਲੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਵਲੀ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਕੁਤਬੇ ਮਦਾਰ ਕੁਤਬਲ ਅਰਸ਼ਾਦ ਕੁਤਬਲ ਅਖਤਾਬ ਗੌਸ ਕੋਸਿਆਦ ਇਹ ਦਰਜੇ ਨੇ ਕਲੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਮਗਰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਮਰਵੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੈਯਦ ਕਬੀਰਉਦੀਨ ਮਰਵੰਦੀ ਬਾਉਲਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮੁਦਰਸ ਸਨ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ ਤੇ ਆਲਿਮ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਔਰ ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਨਤ ਵਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗਵਈਆਂ ਦੇੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲੰਦਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਈ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਾ ਸਲ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਫਿਤਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੋ
हजूर दी अजवाज दे गुलाम बनो, हजूर दी औलाद दे गुलाम बनो, औलाद दे मुतलक दो तीन गिनो। मौला जी दे 18 पुत्र ने, अकीदा ये रखो तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह पाक ला इलमी च कोई गलती हो गई है अल्लाह की बारगाह माफी मंगना, कोशिश की है कोई पैगाम तुहानू कुरान और हदीस के मुताबिक देवा। अल्लाह हाजरी कबूल फरमाए, अल्लाह सानू सब नू इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, औलिया अल्लाह दे अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाए, इन्हां नेकां दा सदका साडे ते भी करम होवे। जिन्हें मुसलमान मर्द और छोटे बड़े फौत हो चुके ने अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देवे। वमा अलैना इल्ला